हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू आर्किटेक्चर अटैक। मैं इस चैनल पे आर्किटेक्चर स्टडी और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। सो आज हम देखेंगे पार्शली ग्लेज्ड एंड पार्शली पैनल्ड वुड डोर डबल शटर। लास्ट वाला जो हमने देखा था वो था सिंगल शटर में और उसमें ग्लास का इस्तेमाल नहीं हुआ था, पर यह है पार्शली ग्लेज्ड। पार्शली ग्लेज्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर ग्लास इस्तेमाल की गई है और वुड तो है ही, और ये है डबल शटर, और ये डूब वाला जो डोर है ये है वेंटिलेटर के साथ। सो ये है एलिवेशन डोर का, ये पार्शली ग्लेज्ड है और पार्शली पैनल्ड है। यहाँ पर है पैनल्स और यहाँ पर है ग्लास पैनल्स, ये है ग्लास, और ये ऊपर इसी में दिया गया है वेंटिलेटर। कुछ डोर्स में आपने देखा होगा कि ऊपर दरवाज़ों के ऐसे खोलने वाले वेंटिलेटर्स, जैसे विंडोज़ में नहीं होते डोर्स खोलने वाले, वैसे ऊपर दिए जाते हैं, तो ये उस टाइप का डोर है। चलिए एलिवेशन पहले बताऊंगा मैं। ये वाला है डोर फ्रेम, इसमें यहाँ पर थ्रेशोल्ड यानी कि दहलीज नहीं है। आपने देखा होगा कुछ डोर्स सीधे फ्लोर से होते हैं, उनको दहलीज वहलीज नहीं होती। जो डोर्स अंदर होते हैं, हाँ अगर मेन डोर है तो दहलीज या थ्रेशोल्ड देना बहुत कंपलसरी है, और अगर वो अंदर है एक रूम से दूसरे रूम में जाने के या लिविंग रूम से बेडरूम, तो वहाँ पर आप थ्रेशोल्ड नहीं भी दोगे तो चलेगा। ये है डोर फ्रेम, और ये डोर फ्रेम ऐसा है, इसमें ये वाला जो है ऊपर वेंटिलेटर है जो ओपनेबल है, और ये वाले जो है दो शटर्स हैं इसके। यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स देखते हैं इसके, ये है डोर फ्रेम, ये है हॉर्न, ये है टीक वुड डोर, और ये वाला जो है ये है टॉप रेल। सेम ही जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था वैसे ही, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टॉप रेल है, ये है ग्लास पैनल 4 mm थिक, और ये है स्टाइल, और ये है लॉक रेल, और ये है वुड पैनल, और ये है होल्ड फास्ट, और ये है बॉटम रेल। ये दो शटर्स है इसमें। ये तो हो गया एलिवेशन, और इसकी क्लियर हाइट है 2.40, यूजुअली 2.1 मीटर होती है डोर्स की हाइट, पर के ये है वेंटिलेटर के साथ तो इसकी कुछ ज़्यादा है। सारे डाइमेंशंस क्लियरली मैंने दिए हैं, आप देख सकते हैं। आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन या प्लान, क्योंकि यहाँ ग्लास यूज़ किया गया है और यहाँ वुडन पैनल है, तो इसके दो सेक्शन बनाए हैं, एक है ग्लास से कट होता हुआ, एक है वुड से कट होता हुआ। ये वाला है सेक्शन एट द रेट AA-। अगर हम उस डोर को ऊपर से काटेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखिए ये ग्लास से कट होता हुआ है, तो वो इसकी स्केल है, नहीं स्केल नहीं, इसका साइज़ है, ओपनिंग है 1.2 मीटर। ये है ब्रिक वॉल्स और ये ही डोर फ्रेम, और ये दो शटर्स है जो एक ऐसे खुल रहा है एक ऐसे खुल रहा है, इसे डॉटेड में हम ऐसे ओपनिंग बता रहे हैं, और ये है स्टाइल्स, ये कुछ इस तरह से डबल शटर में स्टाइल्स कुछ इस तरह से ऐसे होते हैं ताकि वो अच्छे से ऐसे बंद हो सकें, और यहाँ पर डोर से जो है हिंज, डोर और फ्रेम से हिंज कनेक्टेड है, और ये जो डॉटेड में हमने बताया है ये बताया है होल्ड फास्ट, जो कि ब्रिक में हम इसे डॉटेड में बताते हैं, और ये है ग्लास, और ग्लास कुछ इस तरह से ऐसे लगेगी। ये जो स्टाइल है ये इसी में बंधा हुआ है, पर ये जो पीछे आप छोटा सा स्क्वायर देख रहे हैं ये है बीडिंग, हम इसे कहेंगे बीडिंग। ये यहाँ देखिए 10x10 mm थिक,
टी गुड बीडिंग। सो ऐसे ग्लास ये करके हम बीडिंग ऐसे पीछे से लगाते हैं ताकि ग्लास अंदर रहे। सो ये हो गया जो ग्लास से कट रहा था, और ये हो गया जो पैनल से कट रहे हैं। ये भी देखिए ब्रिक में यही सेम है, ये उस थोड़ा सा ऊपर का है, ये थोड़ा सा नीचे का है। ये है डोर फ्रेम, ये है डोर्स, ये है एक शटर, ये एक शटर, और ये है यहाँ पर ग्लास इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पर वुडन पैनल्स है, ये हिंज, बाकी की सारी चीज़ें सेम हैं। अगर आपको ड्राइंग्स करनी है तो आप 1 मिनट पॉज कर सकते हैं इसको। लास्ट में वैसे भी मैं इसके इमेजेस भी वीडियो में ही डाल दूंगा। सो सेक्शन एट द रेट ए ए डैश देखा हमने, बी बी डैश देखा, अब सेक्शन एट द रेट सी सी डैश। हम अगर इसे ऐसे वर्टिकली काटेंगे, काट कर हम जहाँ एरो बताते हैं हमें वहाँ देखना होता है, तो हम यहाँ एरो बता रहे हैं, यहाँ देखना है होगा हमें। अभी ये देखिए, ये है सेक्शन, ये है सेक्शन, यहाँ पर क्योंकि थ्रेशोल्ड नहीं है तो ये डायरेक्ट फ्लोर से आएगा। ये है बॉटम रेल, और ये है पैनल्स, और ये है पैनल्स, ये वाला जो है ये है लॉक रेल, और ये है पैनल, और यहाँ पर आएगा ग्लास, और ये यहाँ पर फ्रेम, ये जो है डोर का शटर यहाँ पर एंड हो रहा है, और यहाँ पर है वेंटिलेटर, ये सारा फ्रेम का ही हिस्सा है, और ये है ऊपर लिंटल, और ये जो ऊपर डबल लाइन आई है ये आई है प्लास्टर के लिए। सो ये जो वेंटिलेटर है ये ऐसे खुलेगा ऊपर। तो हमने क्या देखा, हमने देखा एलिवेशन देखा, हमने देखे दो प्लान्स, और हमने देखा सेक्शन, इसका वर्टिकल सेक्शन। अभी हम देखेंगे इसके डिटेल्स, डिटेल एट द रेट ए बी सी डी। ये देखिए डिटेल एट द रेट ए, ये ब्रिक वॉल है, और ये है डोर फ्रेम, और ये है शटर डोर का स्टाइल है, ये है हिंज, और ये है ग्लास, और ये है बीडिंग, और ये होल्ड फास्ट ऐसे डॉटेड में बताया गया है। ये भी सेम ही है, बस यहाँ पर ग्लास था तो यहाँ पर है पैनल। ये हो गई डिटेल ए बी, और हम देखते हैं डिटेल सी डी। डिटेल सी में ये बीच वाला पार्ट बताया गया है, तो ये है डिटेल सी। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर मेन ड्राइंग समझ गए तो आप ये भी समझ जाएंगे। आपने जो ड्राइंग की बस उसे ही हमने ऐसे एलाबरेट थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर ड्रॉ किया है। और डिटेल एट द रेट ई, ये है डिटेल एट द रेट ई, जो डोर फ्रेम है ना कॉन्क ऊपर लिंटल से कनेक्टेड है, तो ये है डिटेल एट द रेट ई या डिटेल ऑफ ई। ये देखिए ये जो ऊपर डोर फ्रेम है ये वेंटिलेटर है जो ऐसे ओपनेबल है, ये ऐसे खुलेगा, तो ये जो वेंटिलेटर का हॉरिजॉन्टल डोर है इसको ये हिंज से कनेक्ट किया गया है, और इसमें जो ग्लास है ऐसे बीडिंग, यहाँ पर बीडिंग लगाई गई है। डिटेल ऑफ ई हो गई, ये डिटेल ऑफ एफ, ये डिटेल ऑफ एफ ये है लॉक रेल की, डिटेल ऑफ एफ ये है लॉक रेल, और ये है दो पैनल्स। ये जो जो कुछ भी ड्राइंग्स में कट होता है ना वो आना चाहिए डार्क लाइंस में बहुत, और ये जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये पीछे एलिवेशन में है, ये एलिवेशन की स्टाइल दिख रही है, तो ये आनी चाहिए लाइट। अभी ये है एक आइसोमेट्रिक व्यू, डिटेल एट द रेट जी, जो कि यहाँ की है डोर फ्रेम में, जहाँ यहाँ डोर एंड हो रहा है और यहाँ वेंटिलेटर है, तो इसकी जो है मैंने डिटेल की है, ये कुछ ऐसी है, ये डोर फ्रेम है, और ये है ये डोर फ्रेम है, और ये डोर है जो ग्लास लगी हुई है इसमें, और ये ऊपर है वेंटिलेटर का जो हॉरिजॉन्टल डोर लगा हुआ है वो, जिसमें भी ग्लास लगी हुई है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से होगा, और ये बीडिंग से हम ग्लास को इसमें लगाए रखेंगे। सो ये था पार्शली ग्लेज्ड एंड पार्शली पैनल्ड डोर। आई होप कि आपको समझ आई होगी ड्राइंग सारी की सारी। अगर आपको इसकी नीड थी और आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव दिखा
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।